नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर शिक्षा और जॉब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल गया है, जो कल ही इसका आदेश हो गया था, लेकिन आज पेपर की कटिंग में आज आप देख सकते हैं कि जो भी शिक्षक 2005 से पहले नियुक्त हुए थे प्राइवेट कॉलेजों में, और 2006 में जो एडेड हुआ था, सरकारी किया गया था जिस जो विद्यालय, वो उन शिक्षकों की जो पेंशन थी उसका बहाली हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत पूरी जानकारी देंगे आपको कि किस प्रकार से इसका केस चला था और किस प्रकार से ये अब इसका आदेश पारित हो चुका है। तो आइए देख लेते हैं पहले इस न्यूज़ को जो कटिंग पेपर में है। तो 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ, तो हाई कोर्ट ने मंजूर की 5 दर्शन से अधिक रिट याचिकाएं। 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन की स्कीम लागू की गई थी। तो कैसे, इसमें क्या था पूरा मामला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 अप्रैल 2005 से पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त पाए शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए इन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश राज्य सरकार को दिया। 1 अप्रैल 2005 से पेंशन स्कीम लागू की गई थी। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने यूपी, ये खबर है यूपी में, जो 2006 में विद्यालय एडेड हुए थे, यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ समेत 5 दर्जन से अधिक रिट याचिकाओं की एक को एक सुनाया। ये सभी रिटों को एक करके उसके बाद उस पर फैसला दिया गया। याचिकाओं में कहा गया था कि 28 मार्च 2005 को एक आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम पर रोक लगा दी थी और 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम को प्रभावी दिया था। याचिकाओं की ओर से वरिष्ठ वकील एलपी मिश्रा ने दलील दी कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पूर्व ही उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, जिसके कारण उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार और वह अन्य की ओर से याचिका को विरोध करते हुए ये कहा गया था कि याचिका को पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला सही नहीं है। लेकिन इस पर इन सभी ने, इस पीठ ने अपना फैसला 10 मार्च को ही सुरक्षित कर लिया था। तो 10 मार्च को सुरक्षित करने का मतलब है कि जब 10 मार्च को सुरक्षित हो गया तो वो फैसला शिक्षकों के पक्ष में था, लेकिन उसके बाद जब अगले 90 दिन के अंदर उस पर सिर्फ हस्ताक्षर होके उसको पारित करना रहता है। तो ये अभी 10 मार्च के बाद आपको मार्च, अप्रैल, मई और जून में जैसे ही बैठक शुरू हुई तो ये फैसला इनके पक्ष में आ गया है। ये पहले से ही चल रहा था, इसमें केस लड़े जा रहे थे, तो अब इन लोगों को आदेश दिया गया है कि इनको भी पुरानी पेंशन का लाभान्वित किया जाए, क्योंकि इन लोगों की जबकि वैकेंसी है, जब ये भर्ती हुए थे तो कहीं पर पहले अध्यापक, जो त्रिभाषा अध्यापक वगैरह रखे जाते हैं, तो उनकी पहले से ही सैलरी कुछ मिलने लगती है। तो इन लोगों की नियुक्ति इस पेंशन योजना से पहले है, नई पेंशन योजना से, इसलिए यह आदेश इनके पक्ष में है और इनको जल्द से जल्द सरकार ने इस पे अमल करने के लिए, अक्षर से अमल करने के लिए आदेश दिया है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो जो नई पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही जानकारी के आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।